बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसके स्कोप, सैलरी और इसकी यूनिवर्सिटीज तक हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो, आईसीएस किया हो, आईकॉम, डीकॉम, एफआईटी किया हो, तो आप एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एलिजिबल हैं। और अगर एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग के दौरानिया की बात की जाए, ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम है, इसके 4 सेमेस्टर होते हैं, ये आपकी 14 साल एजुकेशन के बराबर है। एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम फैशन डिज़ाइनिंग में। और अगर इसके मेरिट की बात की जाए, डी अगर पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, तो आपका जो वहाँ मेरिट होगा मिनिमम 70% से लेके 80% प्लस पे रहेगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करते हैं, तो आपके मिनिमम 45% नंबर हों तो आपको प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देंगी। और अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए, तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में 30,000 से लेकर तकरीबन 60,000 के लगभग पर सेमेस्टर इनका फ़ी पैकेज होता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर आपसे मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख प्लस भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकती है। अब बात आ जाती है इसकी स्कोप की। किसी भी डिग्री में, किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्कोप किन किन जगहों पे आ जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेते हैं, तो इसका करियर आ जाएगा कि आप कल को बीइंग का फैशन डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, पर्सनल स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, फैशन ब्लॉगर के तौर पर काम कर सकते हैं, फैशन व्लॉगर के तौर पर काम कर सकते हैं, रिटेल बायर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप फैशन पब्लिसिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मर्चेंडाइजर के तौर पर और विजुअल मर्चेंडाइजर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो डियर सुन, अगर अब बात आ जाती है इनके सैलरी पैकेजेस की, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में मूव करते हैं, पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो स्किल, महारत, एक्सपीरियंस, तजर्बा वगैरह, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप मिनिमम 20,000 मैक्सिमम 1 लाख प्लस भी पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। अब बात आ जाती है वो कौन कौन से इदारे हैं जो उनसे एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम ऑफर करवाया जा रहा है, और दिगर भी कुछ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर में कम लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो सी, उन्होंने ये एडीपी 2 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है। और बाद प्राइवेट कॉलेजेस जो उनसे हैं, उन्होंने किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली हुई है, तो वो भी मतलब 2 साल के डिग्री प्रोग्राम ऑफर करवा रहे हैं। लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ये मैं सर्च कर रहा था तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का तस्करा आया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जो सी है, ये इस वक्त एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री जो सी है वो ऑफर कर रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, जिसमें हमने एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में मेरिट, इसके फी पैकेजेस, स्कोप, सैलरी और यूनिवर्सिटी वगैरह पर बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।